साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग में उपन्यास और कहानी। कहने को तो भाग्यवती और परीक्षा गुरु नामक उपन्यास भारतेंदु युग में ही लिखे जा चुके थे और देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता भी 1891 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था, किंतु हिंदी उपन्यासों की अविच्छिन्न परंपरा द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुई। इस काल के उपन्यासों में भी मध्यकालीन कथाओं का प्रभाव ज्यादा है। इस काल में बंगला उपन्यासों का अनुवाद भी भारी संख्या में हुआ। कुछ उर्दू और मराठी के साथ साथ अंग्रेजी उपन्यासों का भी अनुवाद हुआ। इस काल में शरद चंद्र के उपन्यास हिंदी पाठकों में लोकप्रिय हो चले थे। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 19वीं शती के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे थे। उनके उपन्यासों की संख्या 65 है। तारा, चपला, नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी, कुटीर वासिनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, लीलावती का आदर्श, सती, राजकुमारी, लवंगलता, हीराबाई या बेहयाई का बारका, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा आदि उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। गोस्वामी जी के उपन्यास यौन भावना प्रधान हैं। उनमें वासना का रंग चटकीला है, थोड़ा बहुत सामाजिक पाखंड का उद्घाटन भी है। उनकी भाषा सहज है। बाबू गोपाल राम गहमरी 1866 से 1946 ईस्वी इस युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे, भोजपुर का ठग, बड़ा भाई आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और श्री लज्जा राम मेहता ने भी उपन्यास लिखे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस युग को उपन्यासों का प्रारंभिक दौर समझना चाहिए, जिसमें चरित्र और परिस्थिति में अंतः संघर्ष नगण्य है तथा लेखक का ध्यान घटना वैचित्र और मनोरंजन या नीति उपदेश पर अधिक है। कहानी। ये युग कहानियों का भी प्रारंभिक दौर है,
इन कहानियों पर घटना वैचित्र का प्रभाव है। ये अवश्य है कि हिंदी कहानी उपन्यास की अपेक्षा भाव व्यंजकता की ओर प्रारंभ से ही झुकी है। हिंदी कहानियों के दर्शन पहले पहले सरस्वती में हुए। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, शुक्ल जी ने 1900 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियों इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानियां माना है। इंदुमती और गुलबहार के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। शेष कहानियों के लेखक हैं प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवानदास, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली बंग महिला यानी श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, 11 वर्ष का समय अतीत की स्मृति की मार्मिक व्यंजना करती है। बाकी कहानियों में चमत्कारिकता की प्रधानता है। ये काल लेखकों के एक बारगी कहानी लेखन की ओर झुक पड़ने का काल है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि ने इसी समय कहानियां लिखना प्रारंभ किया। प्रसाद ने 1911 ईस्वी में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की। कौशिक की सामाजिक पारिवारिक कहानी रक्षाबंधन 1913 में छपी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना 1913 में और हास्य रस के कहानी लेखक जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी 1919 ईस्वी में छपी। इस कार्यक्रम में याद रखने योग्य बातें। हिंदी उपन्यासों की अविच्छिन्न परंपरा द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुई। इस काल के उपन्यासों में भी मध्यकालीन कथाओं का प्रभाव ज्यादा है। इस युग को उपन्यासों का प्रारंभिक दौर समझना चाहिए, जिसमें चरित्र और परिस्थिति में अंतः संघर्ष नगण्य है तथा लेखक का ध्यान घटना वैचित्र्य और मनोरंजन या नीति उपदेश पर अधिक है। ये युग कहानियों का भी प्रारंभिक दौर है। इन कहानियों पर घटना वैचित्र्य का प्रभाव है। ये अवश्य है कि हिंदी कहानी उपन्यास की अपेक्षा भाव व्यंजकता की ओर प्रारंभ से ही झुकी है। ये काल लेखकों के एक बारगी कहानी लेखन की ओर झुक पड़ने का काल है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह आदि ने इसी समय कहानियां लिखना प्रारंभ किया। आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग में उपन्यास और कहानी।
साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अरुण सिन्हा और राजश्री त्रिवेदी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।